कल तक जो ओसामा को मामा बताकर पिछवाड़े ऊपर उठाते थे, हिजबुल्ला के नसरुल्ला को खाला का लल्ला कहकर चौराहों पर टोपी लहराते थे, आज उन जायलों के पाजामे के नाड़े ढीले हो गए हैं। हालक सूख गए हैं, तशरीफ कांप रही है, बेगम बच्चों को लेकर रजाई से थुतन ढांप रही है। एक साल पहले तक जिन मुसलमान आतंकियों के नाम से दुनिया को डराया जाता था, डराने वालों की खुद फटकर हाथ में आ गई है। हु करके पिछवाड़ों तक जोर लगाने वालों की सारी ऊर्जा अब भागने में व्यय हो रही है। पश्चिम एशिया से लेकर मध्य पूर्व तक बस एक ही शोर गूंज रहा है, भाग अब्दुल्ला, भाग नेतन्याहू आ गया। मुस्लिम आतंकी संगठनों में नेतन्याहू खौफ का सबसे खतरनाक चेहरा बन चुका है। एक ऐसा यहूदी लीडर्स जिसने उन आतंकियों को हुरों की खोज में भेजा जिन्हें ठोकने की उम्मीद अमेरिका तक नहीं कर सका, उन्हें मारा भी ऐसी मौत की सदियों तक लोग याद रखेंगे। सबसे अचंभे की बात यही है कि बड़ी बड़ी मुलाई फेंकी करने वाले आतंकवादी संगठन और उनको पोषित करने वाले देश इजराइल का बाल तक नहीं उखाड़ सके, बस मुलाई बकलोली करते रहे और हुर मिलन संगठन की टोली बनते रहे। साल भर से यही क्रम चला आ रहा है कि तू चल मैं आया। ऐसा लगता है मानो मुसलमान आतंकवादियों के बीच हुरे पाने की जबरदस्त मारामारी मची है। उधर नेतन्याहू हैं जिनकी जियादों को ठोकने की भूख लगातार बढ़ती ही जा रही है। पहले हमास का सर्वनाश और अब हिजबुल्ला खलास। हानिया के बाद कानियाब हिजबुल्ला का नसरुल्ला भी। ये वो नाम थे जो मुसलमानों के लिए महान योद्धा थे, पर यह सभी चूहे की मौत मारे गए। अब नेतन्याहू ने लेबनान पर जमीनी हमले की झंडी दिखाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। मतलब साफ है कि जब तक हमास हुती और हिजबुल्ला का पूर्ण विनाश नहीं होता है, इजराइल के कदम रुकने वाले नहीं हैं। यानी जो जाहिल इस खुशी में चैन की सांस ले रहे हैं कि वो हूर मिलन का हिस्सा नहीं बन पाएंगे, अब उनके भी पिछवाड़े टूटने का नंबर आ गया है, क्योंकि यही वह फटेरू है जो आतंकियों की मौत पर नमाज जनाजा पढ़ते हैं और छाती पीट कर मातम मनाते हैं। इजराइल की सेना इनका इलाज करने के लिए लेबनान की सीमा में घुस चुकी है। कई दर्जन टैंक और दूसरे मिलिट्री वाहन तेजी से दक्षिणी लेबनान में प्रवेश कर गए हैं। यहीं पर लितानी नदी के पास हिजबुल्ला के आतंकी मोर्चा संभाले हुए हैं। इजराइल का लक्ष्य जमीनी आक्रमण करके इन आतंकियों को खत्म करना है, साथ ही लेबनान पर भी कब्जा करने की योजना है, ताकि मुल्लाई खतरे को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए। हमास ने पिछले साल 7 अक्टूबर को जब दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था तो उसकी सोच शायद वहीं तक थी जितनी दूर तक मुल्ला की बांग जा सकती है। उसने सोचा था कि बेगुनाह इजराइलों को मारने के बाद इजराइल अगर हमला करेगा तो दुनिया का विरोध उसे ऐसा करने नहीं देगा। हमास ने भले ही कुछ भी सोचा हो, लेकिन उसने ये नहीं सोचा होगा कि इजराइल का हमला 1 साल से ज़्यादा वक्त तक चलेगा। युद्ध विराम की तमाम अपील इजराइल खारिज कर देगा। हिजबुल्ला के साथ साथ उसकी टॉप लीडरशिप का भी सफाया हो जाएगा और फिलिस्तीन की आज़ादी तो छोड़िए, गाजा के साथ लेबनान के हिस्से ही इजराइल के कब्जे में चले जाएंगे। हमास ने यह कभी नहीं सोचा होगा कि 1200 इजराइलियों को मारकर जब उसने जश्न मनाया था, वह लाखों मुल्लाओं की मौत का मातम बन जाएगा। नसरुल्ला का नाम मध्य पूर्व में आतंकी नेताओं और कमांडरों की उस लिस्ट में शामिल हो गया है जो इजराइल की क्रोध की आग में जला है। इन मुल्ला आतंकवादियों ने इजराइल को आदिम युग में भेजने और खंडर में तब्दील करने की धमकी दी थी, पर तमाम बकलोल बाज खुद खंडर में दबकर मर गए। कहीं का तो जिस्म भी खुरेच कर समेटा गया। ऐसी जिल्लत भरी मौत से बेहतर पिछवाड़े पर गोली मरवाते और इंशाल्लाह बोलकर कूच कर जाते, पर फंटर लोग हैं, मुंह फाड़ेंगे, हद से ज्यादा झाड़ेंगे, जब इजराइल कुटाई करेगा तो हू करके चिंघाड़ेंगे। ईरानी नेता अयातुल्ला खामनेई की धमकियां ब्रह्मस्त्र बन चुकी है, यानी दागो और भूल जाओ। आज इजराइल के खौफ से वह भूमिगत हो गया है। इस कठमुल्ला को कई बार इजराइल को मटिया मेट करने के सपने आ चुके हैं। इसके सपनों की वजह से ही हसन नसरुल्ला की रूह हुरों की तलाश में भटक रही है। अगर ये बुढ़ऊ नसरुल्ला को इजराइल के खिलाफ नहीं उकसाता तो हालात इतने बुरे नहीं होते। सही मायनों में अयातुल्ला ही हुरों का असली दल्ला है, जिसकी कारस्तानी के चलते लाखों निपट चुके हैं। गाजा से लेबनान और यमन तक बिगड़े हालातों के लिए अयातुल्ला ही जिम्मेवार है। इस क्षेत्र में तीनों इस्लामिक आतंकी गुट यानी हमास, हुती और हिजबुल्ला ईरान के ही प्रोक्सी है। यही वजह है कि अयातुल्ला भी इजराइल के टारगेट पर है, क्योंकि जब तक यह बुढ़ऊ जिंदा रहेगा, इसका बूढ़ा दिमाग खुरापात करता रहेगा। हिजबुल्ला को इजराइल से भिड़ाकर ईरान का पीछे कदम खींच लेना इसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी का हिस्सा है। अब यमन के उती आगे कर दिए गए हैं,
ताकि इजराइल कभी चैन से नहीं बैठ सके। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।